हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल क्या है। ठीक है, बहुत आसान से तरीके से समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए, हम ले लेते हैं एक संख्या दो। दो का वर्ग क्या होता है? टू स्क्वायर इज इक्वल टू दो गुणा दो, आपने लिख दिया। दो गुणा दो चार होता है। अब देखिए, अब चार का स्क्वायर रूट क्या होगा? जो आपने स्क्वेयर किया उसका उल्टा। ठीक है, चार का स्क्वेयर रूट क्या हुआ? दो। ठीक है, आप सिक्स क्लास में जाएंगे, आप समझेंगे इसको कैसे। इसका मतलब होता है पावर, मतलब एक बटा दो। तो यहां पे क्या हुआ कि दो की पावर दो है और उसके साथ एक बटा दो भी जो है इसकी आ गई, तो ये बच गया दो। ठीक है, लेकिन हमें उतना गहराई में नहीं जाना है, हमें बेसिक समझना है। ठीक है, तीन का स्क्वेयर हुआ नौ, नौ का स्क्वेयर रूट क्या हुआ? तीन। ठीक है, पांच का स्क्वेयर क्या हुआ? पच्चीस, पच्चीस का स्क्वेयर रूट क्या हुआ? पांच, मतलब वही संख्या। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि 121 का स्क्वेयर रूट निकालिए, आपको पता है कि 11 गुणा 11 121 होता है, तो 11 121 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? 11। ठीक है, देखिए यहां पे 15 का स्क्वेयर रूट क्या स्क्वेयर हुआ? 225, और 225 का स्क्वेयर रूट क्या हुआ? 15। इसीलिए आपको कहा जाता है कि भैया, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ करना है, कोई टेस्ट क्लियर करना है, तो कम से कम आपको 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वेयर रूट आने चाहिए। ठीक है, और इवन की क्यूब रूट भी आने चाहिए, 1 से 25 तक तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो हम उनके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो बनाए कि कैसे आप जो है स्क्वेयर और क्यूब को कैसे आप इजीली याद कर पाए। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन आ गया कि भैया 81 का अंडर रूट या स्क्वेयर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो 9 आएगा। 144 का वर्गमूल निकालिए, क्या आएगा? 12 आएगा। 900 का वर्गमूल निकालिए, 30 आएगा। तो बहुत आसान है, बस आपको जो है संख्याएं हैं उनके एटलीस्ट 50 तक तो वर्ग याद कर लीजिए, उससे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको वो याद है तो मैथमेटिक्स में आपको, मैथमेटिक्स आपके लिए बच्चों का खेल होगा, और आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करने से कोई पावर रोक नहीं सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।